तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखिए आज की तारीख का जिक्र कर लेते हैं। आज की तारीख है 13 अगस्त। 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान को 200 साल की गुलामी के बाद आजादी की तारीख तय हुई थी 15 अगस्त की। और इसी के मद्देनजर एबीपी न्यूज ने शुरू की है 75 घंटों की नॉनस्टॉप पेशकश। भारत की गुलामी के आखिरी 75 घंटों में क्या क्या हुआ, किस तरह 75 साल पहले हर घंटे बदलती गई इतिहास की तस्वीर, 1947 में समय क्या हुआ था, देखते हैं 1947 आजादी ब्रेकिंग वॉल पर। 13 अगस्त 1947 को इस वक्त क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तब हमें बड़ी खबर उस वक्त ये मिली थी कि खबर ये कि कलकत्ता में हिंसा रुक गई है, हालात तेजी से सामान्य होते दिखाई दे रहे थे। दरअसल इस वक्त महात्मा गांधी कलकत्ता में ही मौजूद थे और उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही थी स्थिति को सामान्य करने में। महात्मा गांधी हिंसा रोकने के लिए अनशन पर बैठे और यही वजह रही कि दोनों समुदाय हिंसा कार्रवाई से बचने की कोशिशों में तब नजर आ रहा था। तो आजादी ब्रेकिंग में इस वक्त इतना ही, बहुत जल्द फिर लेकर मौजूद होंगे 1947 आजादी के नए अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज। और हम आपको यह भी बता दें कि 15 अगस्त तक हम आपको हर घंटे आजादी के वक्त की असली खबरें इसी तरह से दिखाते रहेंगे लगातार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।